थैंक यू सो मच। काफ़ी एक्साइटेड हूँ बिकॉज एक तो 2 साल के बाद हो रहा है, तो आई थिंक 2 साल की एक्साइटमेंट जो अंदर भरी हुई थी वो कहीं ना कहीं इस बार सबकी बाहर निकलेगी। एंड येस, आई एम नॉमिनेटेड एज द बेस्ट एक्टर, सो होप फॉर द बेस्ट। वैसे हम आपको बहुत सारे अवार्ड फंक्शंस में हमने आपको परफॉर्मेंस देखा है, आज के लिए आपने कुछ तैयारी की है आप? यस, आज मेरा एक ड्रामा एक्ट है एंड एक बहुत ही स्पेशल एक्ट है जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, नर्वस, सब कुछ हूँ। माधुरी जी के साथ एक एक्ट है जिसमें हम कलर्स की सारी बहुएं हैं, सो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। वैसे साथ ही साथ डबल सेलिब्रेशन होगा, आपके अवार्ड फंक्शन भी है और काफ़ी सारे नॉमिनेशंस भी हैं। एक ही है हमारा शो, हाँ हमारा शो भी नॉमिनेटेड है एंड हमारा परिवार भी नॉमिनेटेड है। सो दीपिका काफ़ी प्रिटी लग रही है, अपने कॉस्ट्यूम, अपने लुक के बारे में कुछ बताएं। लहंगा पहना हुआ है पिंक कलर का, और आई थिंक द पोर्शन दैट आई लाइक अबाउट माई आउटफिट टुनाइट इज द कमरबंद। ये मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ दीपिका को लेकर हाँ, तो मैं इनकी परफॉर्मेंस के लिए बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड हूँ और बस उसी का इंतजार कर रही हूँ। एंड दैट बिल्ड्स नर्वसनेस इन मी। दीपिका जीतती है तो कैसे क्योर करेंगी? आई डोंट नो, ओके, आई कैन नॉट एक्सप्लेन दैट, ओके, क्योंकि आई कैन नॉट एक्सप्लेन, बस उसी समय जो होगा सो होगा। दीपिका, आपने कोई स्पीच तैयार की है? नहीं, अभी नहीं, मतलब गाँव बसा नहीं, लुटेरे पैसे आ गए, ये तो अभी नहीं, जब होगा तब स्पॉन्टेनियसली जो निकलेगा बोल देंगे। थैंक यू सो मच।